जय हिंद गाइस वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस आज हम लोग बात करेंगे सैम्पल क्वेश्चन के जय हिंद कॉलेज के उन्होंने जो सैंपल क्वेश्चन दिया था उसका सल्यूशन जी का हम लोग डिस्कस करते हैं सो करंट अफेयर्स से ये है और उनके सिलेबस में करंट अफेयर्स जो है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट कैरी करेगा ओके तो करंट अफेयर्स में जो भी इन्होंने सैंपल क्वेश्चंस दिए थे उसके बारे में सल्यूशन कर लेते हैं कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है

ओके द इंटरनेशनल डांस डे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वॉज ऑब्जर्व ऑन विच डे इट इज़ ट्वेंटी नाइन्थ अप्रिल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को ये देखा गया है ओके नाउ द सेकेंड वीविंग डेक इन मुंबई इज ओपन एट गिरगांव चौपाटी चरनी रोड पर यह वीविंग डेक मुंबई में ओपन किया है हु हैज़ वन द टू थाउजेंड ट्वेंटी वन नोबल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन ओके कैरीमुलस नहीं है ग्रह बेल नहीं है न्यूटन नहीं है बिकॉज ये बहुत साल पहले आए हैं ओके okay. और अभी जो रिसेंटली है इट इज़ डेविड जूलियस जिनको फिजोलॉजी और मेडिसिन में नोबल प्राइज मिला है गाइस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट डेज के ऊपर है ओके इफ़ यू सी दिस इज अवार्ड का सेक्शन है ओके अवार्ड्स एंड ऑनर्स के ऊपर मिला हुआ है एंड ये जो है ये इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर है ओके okay? सो so, ये तीन कैटेगरी के क्वेश्चन हैं अब आगे देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं हु इज द फाउंडर ऑफ रिलायंस जियो ये बिजनेस का क्वेश्चन आ गया फाउंडर ऑफ रिलायंस जियो एवरी वन नोज मुकेश अंबानी ओके सेलेक्ट एन इंडियन आई टी कंपनी ओके सो इंडियन आई टी कंपनी में हल नहीं है मेक माई ट्रिप नहीं है फाइजर ये वैक्सीन के लिए है ओके आई टी मीन्स इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सो इन्फोसिस जो नारायण मूर्ति जी का कंपनी है सो इन्फोसिस इट्स अ इंडियन आई टी कंपनी नाउ हु इज़ द फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड क्लिंच सिक्स हंड्रेड विकेट इन टेस्ट क्रिकेट ये रिसेंट है इसके पहले एट हंड्रेड विकेट्स मुरलीधरन के हैं सेवन हंड्रेड के सेवन हंड्रेड विकेट्स शेन वॉन के हैं सेवन हंड्रेड सिक्स हंड्रेड के आसपास ओके ये बहुत पहले अभी रिसेंटली और इन्होंने बोला है फास्ट बॉलर ये दोनों स्पिनर हैं ओके एंड सो आंसर इज जेम्स एंडरसन ओके पैट कमिंस जसप्रीत बुमराह मिचेल स्टार्क सो आंसर इज जेम्स एंडरसन ये बहुत पुराने भी बॉलर है इंग्लैंड के तरफ से खेलते हैं ओके नाओ ये देखोगे तो ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स के तरफ से है ओके सो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन का सेग्रिगेशन किया हुआ है और हमारे पास सारे के कंप्राइज स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा कि जी के कौन से सेक्शंस आपको पढ़ने चाहिए जीके के बहुत सारे सेशंस भी होंगे सो डू ज्वाइन गाइज टूमोरो ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग दी क्रैश कोर्स ऑल्सो ओके जिसमें आपको जी के मैथ्स इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी ओके हु वन द फिफ्थ वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप सो आई एन न्यूमटी विश्वनाथन आनंद मैग मैगनस काल्सेन एंड सर्गी कर्जकिन सो आंसर इज सी मै मैगनस कालसेन इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ओके नॉन कन्वेंशनल मतलब सही जो अलग वे से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं हम लोग सो कोल है पेट्रोल डीजल एंड विंड एनर्जी ये ऑप्शन है सो आंसर इज विंड एनर्जी इट इज़ नॉन कन्वेंशनल कोल इज़ कन्वेंशनल पेट्रोल डीजल इज़ ऑल्सो कन्वेंशनल ये अगर आप देखोगे पेट्रोल और डीजल तो ये हम लोग निकालते हैं ज़मीन के अंदर से ओके और उसको फिर बाद में एनर्जी के सोर्स में कन्वर्ट करते हैं हु इज़ रिगार्डेड एज द पाइन ऑफ एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक एनर्जी आया तो सर होमी भाभा ही आने चाहिए ऑप्शन में सो आंसर इज़ बी ओके ए पी जे अब्दुल कलाम नहीं है ये स्पेस साइंटिस्ट के लिए है राजा राजा रामना एंड होमी सेठना ये नहीं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर होमी भाभा है और इन्हीं के नाम से बी ए आर सी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया गया है जो मुंबई में है ओके सो दिस इज अबाउट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ सैम्पल पेपर ऑफ़ हिंद कॉलेज ये 2022 के लिए इन्होंने दिया हुआ है ओके okay? अभी ये देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आया है ओके सो दिस इज हाउ उन्होंने सेग्रीगेशन दिया हुआ है क्वेश्चंस के ओके आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई रहेगी गाइस डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है डू फिल दैट फॉर्म एंड ज्वाइन अवर क्रैश कोर्स बैचेस विच इज विच विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर जय हिंद कॉलेज एन एम कॉलेज मिठी भाई कॉलेज सोफाया कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ओके सो एंड यू कैन कॉल टू दिस नंबर ऑल्सो डबल नाइन एट सेवन डबल थ्री एट डबल थ्री फाइव ओके एंड ज्वाइन कर लो आप हमारा क्रैश कोर्स टूमोरो ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग दी क्रैश कोर्स ओके सो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई रहेगी मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद